आप खैरियत से होंगे और आप प्रोग्रामिंग पर बिगनर सीरीज के पिछले 9 लेक्चर्स जो हैं वो देख चुके होंगे। आज का लेक्चर जो है वो आखिरकार डिसीजन मेकिंग पे हम पहुंच ही गए हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी वजह बताई थी कि मैं कुछ बेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। अगरचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे चल के भी आप साथ साथ कवर करेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश की कि हो जाए वो हम कंप्लीट कर लें, और आज हम जो है वो डिसीजन मेकिंग पे बात करेंगे। इससे पहले क्विकली रिकैप करते हैं पिछले लेक्चर का। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मल्टीपल इंटीजर इनपुट्स अगर एक ही लाइन पे हों तो वो कैसे लेते हैं, और उसके लिए मैप का फंक्शन जो है वो हमने डिस्कस किया। इसी तरह हमने ये भी देखा कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है और कैसे करते हैं, और फिर हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत सारी की थी जिसके लिए ये वाला हैकर रैंक का टास्क शेयर किया था, जिसमें प्रॉब्लम से सम ऑफ 3 वैल्यूज, प्रिंट वैल्यूज विद स्टार्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल, कैलकुलेट स्विग गैस बिल एंड सेल रिसीट। आगे चलते हैं जी, आज डिसीजन मेकिंग पे बात करते हैं। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग की ये चैट जीपीटी ने जो दिया वो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन सिंपल अल्फाज में आपको बताता चलूं कि डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपने प्रोग्राम में से कुछ स्टेटमेंट्स को कंडीशनली एग्जीक्यूट करना है, यानी कभी तो उनको एग्जीक्यूट करना है और कभी उनको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये डिसीजन मेकिंग है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ये सूडो कोड देखें, इनपुट एक्स, इनपुट वाई, प्रिंट एक्स प्लस वाई, अब ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स चलनी है, बस इनमें सीक्वेंस है। पहला पहले सबसे पहले इनपुट एक्स होगा, फिर इनपुट वाई होगा, फिर प्रिंट एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जबकि अगर आप ये दूसरा सूडो कोड देखें, कहते इनपुट एक्स, इफ एक्स इज स्मॉलर देन 5, एड 5 इंटू एक्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, एड 5 इंटू एक्स, इसको मैंने इंडेंट करके राइट साइड पे लिखा है। इंडेंट क्या होता है कि आप किसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा राइट साइड पे बढ़ा के लिख देते हैं, तो उसको इंडेंट करना कहते हैं। प्रोग्रामिंग में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आगे चल के इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। फिलहाल अपना फोकस दोबारा वापस करते हैं कि ये जो तीसरी स्टेटमेंट है एड 5 इंटू एक्स, ये उसी वक्त एग्जीक्यूट करेगी अगर एक्स 5 से स्मॉलर होगा, छोटा होगा। अगर एक्स 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी और हम चल जाएंगे प्रिंट एक्स पे। ठीक है, यानी अगर आपके पास इनपुट वैल्यू आती है 7, तो 7 5 से स्मॉलर नहीं है तो ये एड 5 नहीं होगा और प्रिंट कर देंगे 7। लेकिन अगर आपके पास इनपुट आती है 3, तो 3 जो है वो छोटा है 5 से, तो उसमें 5 ऐड करेंगे, 3 + 5 हो जाएगा 8, और फिर 8 प्रिंट करेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है एड 5 इंटू एक्स, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपके प्रोग्राम ने रन टाइम पे जिस वक्त आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उस वक्त ये डिसीजन लेना है कि ये वाली स्टेटमेंट चलनी है कि नहीं चलनी, किस बेसिस पे, जो आपने इफ के आगे कंडीशन दी है। ठीक है, यानी इफ जो है वो एक चेक है, उसके आगे आपने जो चेक लगाया है उसको चेक करेंगे और उसकी बेस पे अगली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, सूडो कोड के मुतालिक बताता चलूँ, इससे पहले हमने कोई बात नहीं की है सूडो कोड की। तो सूडो कोड जो है वो प्रोग्रामिंग की ऐसी स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जो कि किसी लैंग्वेज के डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामर को समझ आ जानी चाहिए, चाहे वो सी लैंग्वेज का है, चाहे वो कोबोल का है, चाहे वो पाइथन का है, चाहे वो सी शार्प का है। ठीक है, को सबको जो है ना वो एक जनरल फ्लो प्रोग्राम का समझने के लिए ये सूडो कोड यूज होता है। आगे चलते हैं जी, डिसीजन मेकिंग की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इनपुट साइज, इफ साइज इज लेस देन 1, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, यानी ये अक्सर होता है कि यूजर से जब आप इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट ही गलत दे देता है, बाकी प्रोग्राम तो क्या चल रहा है। ठीक है, मैं अक्सर जो है वो अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि एटीएम के ऊपर अगर बटन ना लगे हों तो फिर जो ब्लंडर होंगे ना, बयान करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो प्रोग्रामर की जहाँ एक जिम्मेदारी सही प्रोग्राम लिखना होता है, वहाँ उसके हिस्से में यह जिम्मेदारी भी आती है कि वो इनपुट को चेक करे, अगर इनपुट गलत है तो यूज़र को
मैसेज दे दे, जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया। अगली एग्जांपल है इनपुट मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 50 प्रिंट पास। ठीक है, आपको पता है हमारा बुनियादी मसला तलबा का पास करना होता है बहुत सारे जगहों पे। तो और हम थोड़े से तरक्की करते हुए अब 33 से 50 पासिंग मार्क्स पे पहुंच गए हैं, तो उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी। तो उम्मीद करते हैं ये ऊपर जाएगा लेवल। खैर एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। अब ये पास उस वक्त प्रिंट होगा जब मार्क्स जो है वो 50 या उससे ज़्यादा होंगे, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। तीसरा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 15 एड 5 टू एक्स। ठीक है, 5x में कब ऐड करेंगे, जब 15 से ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, यानी ये इंसेंटिव हमने उसको दे दिया। इफ कंडीशन इन पाइथन, पाइथन में डिसीजन मेकिंग के लिए इफ कंडीशन यूज होती है। इफ कंडीशन, उसके आगे कॉलन लगता है और उसके बाद स्टेटमेंट आती है। ये जो स्टेटमेंट होती है इंडेंट करके लिखी जाती है, अगर ये आप इंडेंट नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर है। ठीक है, सिंटेक्स एरर के मुतल्लिक भी आपको बताता चलूं, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में बहुत कम चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लोर अभी तक की हैं, हम सिंपल चीज़ों को लेके चल रहे थे। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में कोई ऐसा एरर कर देते हैं जो कि लैंग्वेज के रूल्स के खिलाफ होता है, तो उसको सिंटेक्स एरर कहते हैं। जैसे आप कंडीशन लिखने के बाद कॉलन ना डालें, या आप इफ की जगह कुछ और लिख देते हैं, अंडरस्कोर इफ लिख देते हैं या कैपिटल इफ लिख देते हैं, क्योंकि केस सेंसिटिव होती हैं ज़्यादातर लैंग्वेजेस। पाइथन भी स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स के मामले में केस सेंसिटिव है। ये मैंने जब वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था उस वक्त भी मैंने ये चीज़ बताई थी। तो आपने इफ कंडीशन, कंडीशन के आगे कॉलन और उसके नीचे स्टेटमेंट इंडेंट करके लिखनी है, चाहे एक स्टेटमेंट लिखें या मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखें। कंडीशन के मुतालिक अगली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने लिखना था, ए एल आगे से मिस हो गया है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड है। पाइथन में 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और ये सी, सी प्लस प्लस, जावा में भी यही ऑपरेटर्स हैं। डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं और इसको कोई बताता नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात होती है, बहुत ही कॉमन बात होती है। लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें कंपैरिजन है, जिसके दोनों तरफ आप एक्स वाई लिखेंगे या फाइव एक तरफ लिख सकते हैं, दूसरी तरफ एक्स लिख सकते हैं, किसी भी साइड पे, लेफ्ट राइट पे कोई मसला नहीं है। आप चाहे जो है वो 5x की लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें। डबल इक्वल विदाउट स्पेसेस, नॉट इक्वल, ये बिल्कुल रिवर्स है। यानी अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो कंडीशन ट्रू है, और नॉट इक्वल में अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल आना चाहिए। ये तलबा का जो चीटिंग वाला केस पकड़ते हैं ना, नॉट इक्वल, क्योंकि अगर जो है वो नॉट इक्वल है तो ठीक है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है, गलतियों की चीटिंग हुई होती है। खैर दिल पे ना लीजिएगा, ये समझाने के लिए इस तरह की मिसालें बड़ी अच्छी रहती हैं। अच्छा जी, लेस देन एक्स इज लेस देन वाई, अगर एक्स वाई से छोटा होगा तो ये कंडीशन सही होगी। अगर कंडीशन सही होगी तो नीचे वाली स्टेटमेंट जो कि उसके डिपेंडेंट है वो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगली एग्जांपल में भी समझाता हूँ। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल में बहुत फर्क है, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है आपने। लेस देन वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपने उससे पीछे पीछे रुकना है। यानी अगर आप कह रहे हैं एक्स लेस देन 5, तो इसका मतलब 5 जो है वो गलत है, 1 2 3 4 आ सकता है, मे बी 0 भी आ सकता हो, मे बी नेगेटिव भी आ सकता हो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन 5 या उससे बड़ा नहीं आ सकता। लेकिन अगर लेस देन इक्वल 5 लिख दूंगा तो फिर 5 भी आ सकता है। इसी तरह ही ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात करके आगे चलेंगे। डबल इक्वल का रिवर्स होता है नॉट इक्वल, यानी अगर एक्स वाई के इक्वल है तो वो नॉट इक्वल नहीं है। दोबारा, एक्स अगर वाई के इक्वल है तो वो एक्स वाई के नॉट इक्वल नहीं है, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो वो नॉट इक्वल है। एक्स अगर वाई से छोटा है, एक्स अगर वाई से छोटा है तो वो ग्रेटर देन इक्वल नहीं है।
लेस स्टूडेंट्स आमतौर पे समझते हैं लेस और ग्रेटर जो है ना, ये एक दूसरे का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ये नहीं है, ये मैं आगे अगले अगले लेक्चर में आपको इसकी तसल्ली से जो है ना वो मिसाल के साथ समझाऊंगा। अभी हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। इफ का सिंटैक्स एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। इफ एक्स इक्वल टू वाई, अब ये जो मैंने एक्स और वाई और इक्वल के दरमियान में स्पेसेस दी हैं, ये ऑप्शनल स्पेसेस हैं, इसे रीडेबिलिटी के लिए मैं डाल देता हूँ। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक्स, उसके फौरन बाद डबल इक्वल, उसके फौरन बाद वाई, और उसके बाद कॉलन, आगे मैंने लिख दिया प्रिंट इक्वल। अब ये जो प्रिंट इक्वल लिखा है, ये कब एग्जीक्यूट होगा? अगर एक्स वाई के इक्वल हुआ, यानी कंडीशन ट्रू हुई, यानी और अगर एक्स वाई के इक्वल ना हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी और इक्वल प्रिंट नहीं होगा। इफ एक्स इज लेस देन वाई, प्रिंट स्मॉलर। अगेन, कब प्रिंट होगा स्मॉलर? जब एक्स वाई से छोटा होगा। अगर इक्वल हो गया तो वो छोटा नहीं रहता, अगर इक्वल हो गया तो छोटा नहीं रहता, फिर स्मॉलर प्रिंट नहीं होगा। अगर ग्रेटर हो गया एक्स वाई से, फिर भी स्मॉलर प्रिंट नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त स्मॉलर प्रिंट होगा जब एक्स वाई से छोटा होगा। इफ 2 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल वाई, इसमें दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। पहली बात यह कि 2 + 3 जो है ये पहले होगा, बाद में कंपैरिजन होगा। 2 + 3 पहले होगा, बाद में कंपैरिजन होगा, चाहे 2 + 3 आपने राइट साइड पे लिखा है या लेफ्ट साइड पे लिखा है, दोनों सूरतों में। दूसरी बात यह कि आप वाई को लेफ्ट साइड पे लिख देते या 2 + 3 को जो है वो इस तरफ लिख देते, इसमें कोई मसला नहीं है। यानी ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखना है या राइट साइड पे लिखना है, जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड पे लिखना है, दोनों चीज़ें कहीं भी आ सकती हैं। तो कंडीशन को मैं अगर यूं पढूं तो ज़्यादा मीनिंगफुल है 5 is greater than equal 5 वाई, ठीक है? असल में तो ये 2 + 3 पहले हो जाना ना, तो 3 greater than equal y नहीं है, बल्कि 2 + 3 मीन 5 is greater than equal y। तो फिर क्या करो, जी में वाई को 2 times रखवा दो, यानी वाई को 2 से मल्टीप्लाई करके जी में रखवा दो। कब रखवाना है? अगर 5 जो है वो ग्रेटर हुआ या इक्वल हुआ वाई के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब वाई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 5 होगी, या वाई की वैल्यू less than 5 होगी। ये जो ग्रेटर है, इसका जो मुंह है वो किसकी तरफ ओपन हुआ हुआ है? 2 + 3 की तरफ, और ये क्लोज किस तरफ हुआ है? वाई की तरफ। यानी वाई छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके साथ ही जो है वो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कोडिंग के साथ। पाइथन में इवन और ऑड बड़ी टिपिकल एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट ने ये सुनी होगी। रीड एन इंटीजर एंड प्रिंट इंटीजर इज इवन और ऑड। सैंपल इनपुट में देखें, 23 को लिख दिया मैंने इवन, गलत लिख दिया है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ऑड आना था। अच्छा जी, करना क्या है, एन में इनपुट ले ली, उसके बाद n mod 2। मैंने कहा था ना ये मॉड का ऑपरेटर बहुत यूजफुल है, ठीक है? ये सिर्फ इवन ऑड के लिए नहीं यूज होता, ये बहुत सारे प्रॉब्लम में हम यूज़ करेंगे। n mod 2 = 0, तो n mod 2 = 0 कब आता है? जब नंबर जो है वो उसके आखिर में 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, या 0 आ रहा हो। यानी 2 8 8 10, 2 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? या तो 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या 8 आ रहा है, या 0 आ रहा है। तो जब हम मॉड लेते हैं 2 के साथ, यानी कि वो चेक करता है कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो 0 आ जाता है अगर इवन नंबर हो, तो उस सूरत में हम इवन प्रिंट कर देंगे। अगर नंबर जो है उसके आखिर में 1 3 5 7 9 आ रहा है, तो वो ऑड है, उस केस में ऑड प्रिंट करना है। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया है, तो इसमें एक छोटी सी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इफ के साथ एल्स ज़रूरी है, ठीक है? इफ के साथ एल्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इस पूरे लेक्चर में मैंने एल्स नहीं यूज़ करना। आप भी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हैकर रैंक में, तो आपने भी एल्स यूज़ नहीं करना।
इसकी मैं इस चीज पे मैं एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि इफ जो है वो एल्स के बगैर भी यूज किया जा सकता है। अलबत्ता आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एल्स लगाना चाहिए था, तो एल्स यहाँ पे बिल्कुल लगाया जा सकता था, लेकिन मैं इसका एक और कोड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मैं इसको एक और तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिसमें एल्स की जरूरत ही नहीं है। हमने इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद हमने रिजल्ट में रख दिया ऑड, इनपुट ली और उसके बाद रिजल्ट में बगैर सोचे समझे ऑड रख दिया। आप कहेंगे नंबर इवन भी हो सकता है, तो ठहरे ना, चेक कर रहे हैं। इफ एन मॉड 2 इज इक्वल टू 0 तो रिजल्ट कर दिया हमने इवन। अब रिजल्ट था ऑड, कब इवन होगा? जब नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 होगा, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी और रिजल्ट में क्या आ जाएगा? इवन, वरना रिजल्ट में ऑड तो स्टोर ही है। इसके बाद हमने क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया रिजल्ट। तो ये एग्जाम्पल जो है इसको अच्छी तरह नोट करें, और फिर आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एल्स इफ के साथ ज़रूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ना लिखें, ठीक है? मैं आपको ये आगे चल के अगले लेक्चर्स में जब हम इफ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे एल्स की ज़रूरत वाकई पड़ती है, वहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं जी, सैंपल टास्क 2 कहते हैं जी डिवाइड इफ पॉसिबल। ये क्या बात हुई जी? कहते हैं इनपुट 2 इंटीजर इफ सेकंड डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल 1, डिवाइड फर्स्ट इंटीजर विद सेकंड एंड प्रिंट रिजल्ट, अदरवाइज प्रिंट फर्स्ट इंटीजर ओनली। कहता है अगर सेकंड डिजिट जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल 1 हुआ, यानी अगर सेकंड डिजिट जो है वो 0 हुआ या नेगेटिव हुआ, तो फिर आपने डिवाइड नहीं करना। सेकंड डिजिट अगर 0 हुआ या नेगेटिव हुआ तो फिर आपने डिवाइड नहीं करना, वरना आपने डिवाइड जो है वो कर देना है और फिर आंसर लिख देना है। इस केस में हमारे पास जो इनपुट है वो है 8 और 4, जिसमें सेकंड जो इंटीजर है वो 4 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो हमने डिवाइड कर दिया है 8 को 4 से और 2 आंसर आ गया। इसका भी सलूशन देखते हैं। n1, n2 मैप, ये कट गई लाइन आगे, इसी वजह से इंट और आगे स्प्लिट वाली लाइन है, वो उम्मीद है आपको रट गई होगी, तो वो आप लिख लेंगे। अच्छा नहीं, ये नीचे आ गई है, सॉरी, ये किसी वजह से वो रैप होके ना बॉक्स शायद छोटा था तो नीचे आ गई है। खैर ये एक ही स्टेटमेंट है जी, n1, n2 इक्वल टू मैप इंट कोमा इनपुट डॉट स्प्लिट। अच्छा जी, अब हमने रिजल्ट में स्टोर कर लिया n1, जिस तरह हमने पीछे इवन ऑड स्टोर कर लिया था, इस तरह मैंने n1 स्टोर कर लिया, और फिर मैंने चेक किया कि क्या n2 जो है वो 0 तो नहीं है। हालांकि मुझे वैसे नेगेटिव के लिए भी चेक करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये नॉट इक्वल टू 0 चेक कर लिया। यहाँ पे आप लेस देन इक्वल 0 कर लीजिएगा, अगर वो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 0, या बल्कि ग्रेटर देन 0, इफ n2 ग्रेटर देन 0 देन रिजल्ट इक्वल टू n1 n2। अब फिर इंटीजर डिवीजन आ गई, इंटीजर डिवीजन क्यों आ गई? क्योंकि सैंपल आउटपुट जो है वो 2 है, 2.0 नहीं है। यानी अगर मैं n1/n2 लिखूंगा फिर पाइथन में आउटपुट आएगी 2.0, तो 2.0 चूंकि नहीं आ रहा, तो n1/n2 लिखना है। और अगर 7 को मैं 4 से करूंगा तो इसका मतलब फिर 1 जवाब आएगा, ठीक है? तो वो इंटायरली डिफरेंट है, 1.75 और 1, तो आपने डबल स्लैश यूज़ करनी है। और ये हमेशा मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आउटपुट को क्लियरली देखा करें कि वो पॉइंट में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? अगला टास्क, ऐड 5 मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस, इनपुट कैंडिडेट मार्क्स एंड एक्सपीरियंस, इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल 2 ईयर्स ऐड 5 मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस प्रिंट एक्सपीरियंस। यानी आपने ओ प्रिंट मार्क्स, ये मिसटाइपिंग हो गई है, प्रिंट मार्क्स, तो सैम्पल इनपुट में है 37 मार्क्स थे कैंडिडेट के, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, और उसके 5 मार्क्स ऐड होके ये 42 आना था, तो ये 41 है, इसको करेक्ट कर लेंगे। मार्क्स कॉमा एक्सपीरियंस मैप इन इनपुट डॉट स्प्लिट, बिल्कुल यही लाइन थी जो पीछे भी थी। इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस केस में एक्सपीरियंस कितना है जी, 4, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मार्क्स में 5 ऐड हो जाएंगे और मार्क्स जो है वो अपडेटेड प्रिंट हो जाएंगे। हैकर रैंक का कॉन्टेस्ट आ गया जी, डिसीजन लेवल 1, इसमें 60 टास्क हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, कंपेयर टू नंबर करें, सिंगल और डबल डिजिट बताएं, कन्वर्ट टू इवन करें, राउंड और नॉट, अदर देन 50, वैलिड इनपुट 1 to 5, देखते हैं जी ये प्रॉब्लम क्या है। पहला टास्क क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। कहता है रीड एन इंटीजर, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कह रहे हैं इंटीजर रीड करें जो कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपने एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है तो इसको पढ़ लीजिएगा चैट जीपीटी या गूगल करके कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। इनपुट फॉर्मेट देखें, -6 और एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 6। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वैल्यू 6 होती तो भी जवाब यही आना था, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस में वही होती है। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे नंबर को, चेक कर लेंगे, अगर नंबर <6> हुआ तो उसको क्या कर देंगे, माइनस करके पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो बस वो है, फिर तो वैसे ही उसने प्रिंट हो जाना है। यानी एक्स मेरे पास इनपुट है और आउटपुट में भी एक्स है, बीच में क्या है कंडीशन, इफ की अगर एक्स जो है वो <0> है तो एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, अगर कंडीशन ठीक हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी और ये -6 को माइनस करके +6 कर देगी। ठीक है, ये छोटा सा मैथ है, आपको उम्मीद आता होगा एलिमेंट्री लेवल का। टास्क टू है जी, कंपेयर टू नंबर्स, कंपेयर इंटीजर्स, प्रिंट फर्स्ट इफ फर्स्ट इज लार्जर, अदरवाइज प्रिंट सेकंड, इट इज ग्रांटेड दैट बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, वो कह रहा है कि इट इज ग्रांटेड के नंबर इक्वल नहीं है, फर्क है। ठीक है, तो दो ही सूरतें हैं, या पहला नंबर बड़ा होगा या दूसरा बड़ा होगा। अगर पहला नंबर बड़ा होगा तो फर्स्ट प्रिंट करना है, अगर दूसरा नंबर बड़ा होगा तो सेकंड प्रिंट करना है। इस केस में आपके पास 8 बड़ा है तो सेकंड प्रिंट हो गया, तो सिंपल। फिर वही क्या करें, नंबर रीड करें, रिजल्ट में फर्स्ट स्टोर कर लें, कंडीशन के ऊपर सेकेंड कर दें रिजल्ट को, या रिजल्ट में सेकेंड स्टोर कर लें, कंडीशन पे फर्स्ट कर दें। ठीक है, तो दोनों सूरतों में कंडीशन आपको लगानी आनी चाहिए, इफ एन वन इज लेस देन एन टू तो रिजल्ट में क्या कर दें सेकंड, इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू तो रिजल्ट में क्या कर दें फर्स्ट कर दें। तो जैसे आपने रिजल्ट में वैल्यू स्टोर कराई है उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लगा लीजिएगा। सिंगल और डबल डिजिट, कहते हैं रीड एन इंटीजर, चेक एंड प्रिंट वेदर नंबर इज सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। ठीक है जी, ये नंबर जो है वो सिंगल डिजिट हो सकता है या डबल डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है, जो <10> होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इतने सारे चेक लगाने की बजाय कि 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, हम एक ही चेक लगाएंगे लेस देन 10। अगर नंबर <10> हुआ तो हम लिख देंगे कि ये सिंगल डिजिट है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टेन हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टेन हुआ तो डबल लिख देंगे। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि नंबर रीड करें, रिजल्ट में लिखें सिंगल और चेक करें कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल है 10 के, ग्रेटर देन इक्वल है 10 के तो वो डबल डिजिट होगा, तो डबल प्रिंट कर देंगे। टास्क फोर है कन्वर्ट टू इवन, रीड एन इंटीजर, चेक इफ इट इज ऑड, कन्वर्ट इट टू इवन बाय एडिंग 1। वो पता है ना, इवन ऑड जो है वो अल्टरनेटिवली चलते हैं, तो हर अगला नंबर जो होता है वो इवन होता है ऑड से अगला। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 है तो उसका इवन 4 है, अगर आपके पास 7 है तो उसका इवन 8 है, तो आप सिंपली 1 ऐड कर देना। तो यू विल पुट अ कंडीशन, इफ एन मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू x+1, तो वो क्या कर देगा, उसको इवन कर देगा। टास्क 5 है रीड एन इंटीजर, चेक एंड प्रिंट वेदर द इंटीजर इज राउंड और नॉट। एवरी इंटीजर एंडिंग ऑन 0 इज राउंडेड, फॉर एग्जाम्पल 290 इज राउंडेड, 30 इज राउंडेड, 3500 इज राउंडेड, जिसके आखिर में भी 0 आ रहा है वो राउंडेड है। चेक कैसे करेंगे, 10 के साथ मॉड ले लें, 10 के साथ मॉड ले लें। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी इसका बताया है, इसको पढ़ लें, मैंने कहा था ना बार बार यूज होता है, अक्सर यूज होता है। तो इफ एक्स मॉड 10 इक्वल इक्वल 0 तो रिजल्ट में क्या रखवा दें, राउंडेड, और उससे पहले स्टोर करवा दें नॉट राउंडेड।
रिजल्ट को प्रिंट करवाएं, अगर तो राउंडेड हुआ तो राउंडेड आ जाएगा, नॉट राउंडेड हुआ तो नॉट राउंडेड आ जाएगा। टास्क 6 है, रीड एन इंटीजर चेक इफ नंबर इज 50, प्रिंट 50, अदरवाइज प्रिंट अदर। ठीक है, तो अगर नंबर 50 हुआ तो 50 प्रिंट करना है। 50 हुआ तो 50 प्रिंट करने का क्या मतलब है, नंबर तो 50 होगा लेकिन आपने प्रिंट करना है FIFTY, और उसमें कैपिटल F से स्टार्ट करना है और बाकी सारे स्मॉल। और अगर नंबर 50 से छोटा है, नंबर 50 से बड़ा है, तो आपने अदर प्रिंट कर देना है, जिसमें O कैपिटल और TAGR स्मॉलर है। अब इसमें कंस्ट्रेंट भी दी हुई है, ठीक है, कि नंबर जो है ना वो X या तो 0 से बड़ा होगा, या और 0 से बड़ा होगा और नंबर 100 से छोटा होगा, यानी नंबर जो है वो 1 से लेके 99। ये जो कंस्ट्रेंट दी होती है ना, ये आपको हेल्प कर रही होती है, ये आपको कोई इजाफी चीज़ नहीं बता रही, ये आपको हेल्प कर रही है कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, नंबर नेगेटिव में नहीं है, नंबर जो है बहुत बड़े नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोग्राम में बहुत बड़ी इनपुट भी हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 15 डिजिट 16 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है सिर्फ आपके पास 1 से लेकर 99 तक है, तो आपने क्या चेक लगाना है? जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, नॉट इक्वल का। ठीक है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 50, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 50, 50 मीन 50, कंपैरिजन करते हुए आपने ये 50 नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा, आपने लिखना है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 50, तो रिजल्ट में क्या स्टोर कर देना है, अदर, उससे पहले रिजल्ट में स्टोर कर दें 50, रिजल्ट प्रिंट करवा दें। आखिरी टास्क 7 है जी, रीड एन इंटीजर इफ इंटीजर इज लेस देन इक्वल 5, इट इज वैलिड अदरवाइज इनवैलिड। अगर वैलिड हुआ तो आपने कैपिटल में कैप्स में वैलिड प्रिंट करना है, और अदरवाइज आपने प्रिंट कर देना है इनवैलिड। इनपुट में फॉर्मेट में देखें 2 लिखा हुआ है, जबकि कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है कि जी इन नंबर जो है वो 1 या उससे बड़ा होगा और नंबर जो है वो 1 मिलियन से छोटा होगा, 1 मिलियन से छोटा होगा। ठीक है, तो आपको फिर अगेन वेरी करने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रेंट देख के, बल्कि सुकून करने की जरूरत है कि ये सिंपल प्रोग्राम है, आपने इनपुट रीड करनी है और आपने उसको चेक लगाना है कि नंबर जो है वो लेस देन इक्वल 5 है तो वो वैलिड है, रिजल्ट में इनवैलिड स्टोर करवा लें, रिजल्ट में इनवैलिड स्टोर करवा लें, कंडीशन में चेक करें इफ एक्स इज लेस देन इक्वल 5 तो रिजल्ट को चेंज कर लें, वैलिड कर दें, रिजल्ट में वैलिड स्टोर करवा लें, कंडीशन रिवर्स कर दें इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 तो रिजल्ट में इनवैलिड कर दें। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सारे के सारे सवाल टास्क जो है वो कर लेंगे, तो हम इफ के अगले जो है वो टॉपिक पे चलेंगे, जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस होगा। ठीक है, वो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप ये सारे टास्क कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे टास्क करके अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।